मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का एक इंटरव्यू बोल टीवी पर समी इब्राहिम के साथ 1 जून 2022 को पेश किया गया। इस इंटरव्यू के लेकर इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़रा और हिमायती, इसमें मरियम के व्हाट्सएप ग्रुप के तमाम एंकर्स वगैरह ये भी जो शामिल हो गए, और उसको टीवी पे एक एक घंटे के, आधे आधे घंटे के टॉक शो करके इमरान खान को मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। इसके जवाब में मैंने देखा कि इमरान खान के हिमायती एंकर्स वगैरह जो है, यूट्यूबर्स वगैरह, उन्होंने भी मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ मतलब इंटरव्यू के मतलब तफसीलात लेकर और इमरान खान के लिए सफाइयाँ और तशरीहात और जो उसकी जो है ना पेश करना शुरू कर दी। इमरान रियाज खान बेचारे ने तो ये किया कि पूरे इंटरव्यू का उर्दू में ट्रांसक्रिप्ट लेकर इसने लोगों को मतलब बताना शुरू किया, क्योंकि ये लोग मतलब कोशिश ये कर रहे थे कि जिस तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ ये एकदम से मतलब मीडिया और हर तरफ से जो अटैक हो गया है, तो मुझे इनकी कोशिश में ये नज़र आए कि वो ये चाह रहे थे कि अवाम में जो इमरान खान की मकबूलियत है और इमरान खान से जो मोहब्बत है, उसको के ऊपर कोई मनफी असरात ना हो इस तरह के बयानियाँ बनाने से, तो बेचारे कोशिश कर रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपना हिस्सा डालूं कि जब ये लोग अगर इसकी इमरान खान की हिमायत में सफाई में कह रहे हैं तो मैं भी डालूं। तो लिहाजा मैं आपसे इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। मुझे इस सफाई के लिए तो एक ही रास्ता नज़र आया जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्या ए अल्लाह, तू बड़ा कुदरत वाला है, तू बड़ा मेहरबान भी है, हम पर रहम करने वाला भी है और हमारी सुनने वाला भी है। मैं तेरे सामने एक नाचीज बंदा आजिज़ी और सद दिल से दुआ मांगता हूँ, सद दिल से, सच्चे दिल से, कि ए अल्लाह ताला, तू मेरे को इमरान जैसा गद्दार और पाकिस्तान दुश्मन बना दे। साथ ही मैं अपने दोनों बेटे, माशाल्लाह जवान है मेरी उम्र के हिसाब से, उनको भी और मेरे इकलौते पोते को भी तू इमरान जैसा गद्दार और मुल्क दुश्मन बना दे। ये अल्लाह, ये मेरी दिली तमन्ना है, ये मेरे लिए एजाज़ होगा, ये मेरे इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो जाएगा कि मैं या मेरे बेटे या मेरे पोते में से कोई भी इमरान खान जैसा बन जाए। ए अल्लाह, तू दिलों के हाल जानता है, तू बहुत सुनने वाला है, तू बहुत हम पे रहम करने वाला है, तू मेरे पर भी रहम फरमा और मेरी इस दुआ को कबूलियत बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन।